तो गाइज अभी हम खेत पे जा रहे हैं और अभी खेत पे जाने के बाद हम शूट करेंगे, पूरा खेती के बारे में बताएंगे। चावल की खेती है, कैसे वो उसको में कैसा वो चिकला करना पड़ता है, चिकले में पूरा वो मतलब वो ऐसा एक 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 खामला करके ऐसा नहीं क्या पूरा लगाना पड़ता है। तो हम अभी जा रहे हैं, फिर आपको बताते हैं, फिर पूरा डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा लिख भी देंगे आपके लिए कि क्या था कैसे था। तो अभी चलो चलते हैं, मिलते हैं खेत पे। तो गाइस अब अभी जा रहे हैं खेत पे। तो ये देखो रोड बहुत ही ख़राब हो चुका है और अभी ट्रैक्टर चलते हैं तो रोड ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं रेनी सीजन में। तो दोस्तों अभी चलते हैं और देखाते हैं खेत से डायरेक्ट लाइव, और पूरा देखने के लिए दोस्तों पूरा लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जो भी है मज़ा खेत में कैसे करते लोग काम सब, अपना भात लावनी वगैरह नहीं क्या। तो गाइस अभी पहुंच गए हैं खेत में और ये अभी ट्रैक्टर चालू है यहाँ पे। तो ये पूरा सीन अभी थोड़ा आपको बताएंगे कि ये क्या है, क्यों है, क्यों करते हैं ये सब। तो देखते हैं दोस्तों अभी ये ट्रैक्टर चालू है यहाँ पे, चिकला हो रहा है। और ये है अपनी बग्गी, इसको हमने इसलिए लाए हैं क्योंकि इसमें अभी ऊपरा डालेंगे, इसको बोलते हैं बैलगाड़ी। अभी इसमें परा डालेंगे और कैसा जो दूर रहती ना परा, ये एक बांदी से दूसरे जगह बांदी में लेके जाना पड़ता है, तो उसके लिए ये बैलगाड़ी का यूज करते हैं। अभी ये दिख रहा है यहाँ पे परा, तो ये अभी ये बैलगाड़ी में डालेंगे और उसमें फिर ये बैल से दूसरे बांदी में लेके जाएंगे, तो इससे थोड़ा मेहनत कम हो जाती है। तो अभी ये अभी यहाँ पे लोड हो रही गाड़ी, बैलगाड़ी लोड हो रही है। अभी ये लोग यहाँ पे पूरा बग्गी में डालेंगे, इसको परा बोलते हैं, और अभी ये जाएंगे लेके जाएंगे अपन दूसरे जगह पे। फिर वो ये जैसे इधर दिख रहा है आपको इसी बांधे में इसको एक एक पेंड ऐसे डालना पड़ता है। फिर वो जो भी वर्कर लोग रहते हैं वो ऐसे एक एक गाड़ी करके लगाते हैं फिर बीच बीच में। या बांधी रही आपल्या इकडची बांधी राहिली का, आपल्या इकडची बांधी राहिली। अच्छा हल्ला पुरा और ऐसे जो भाई लोग हैं ये भाई लोग यहाँ पे अभी परा निकाल रहे हैं, मतलब कैसे ये परा निकाल के उसका एक एक पेंडी पेंडी बनाते हैं, फिर वो पेंडी उछल के अपने को खेत में लेके जाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पूरा चिकल का काम होता है, पूरा मतलब चिकल ही चिकल रहता है, तो बहुत ही मतलब हेवी काम हो जाता है ये। अभी देखो ये जो भी बैलगाड़ी जा रही है उसमें वो बैल को भी कितने मेहनत लग रही होंगे, वहाँ पे बैल को भी मेहनत लगती है, वहाँ से आदमी को भी चलना पड़ता है, तो काफ़ी मेहनत वाला काम है ये। काम दे ठीक है पूरा पूरा अंदर ठीक है ना मना। तो गाइस अभी इस खेत में चालू है ट्रैक्टर, तो आप देख सकते हो कि ट्रैक्टर चलाने भी कितनी मेहनत लगती है। तो अभी देखो ट्रैक्टर के बारे में भी थोड़ी जानकारी निकालेंगे, तो काफ़ी ट्रैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है खेती के काम के लिए।
तो खेती के काम बोले तो ट्रैक्टर के बिना काम होंगे नहीं। अभी पहले के ज़माने में जो ट्रैक्टर काम करता था वो बैल के, ये बैल के हाथ से काम करवाते थे पहले। तो अभी ट्रैक्टर निकालने की वजह से भी बैल का तो यूज़ काफ़ी कम हो गया है, मैक्सिमम तो दिखते ही नहीं अभी। अभी सब खेती में ट्रैक्टर ही यूज़ होता है। अभी ये जो भी ट्रैक्टर चल रहा है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है आप सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे ये ट्रैक्टर अभी यहाँ पे इस बांदी का पूरा चिखल कर रहा है, जिसको बोलते हैं चिखला, चिखला बोलते पूरा चिखल। तो अभी ये चिखला होने के बाद यहाँ पे पर डालेंगे। पर डालने के बाद वो एक एक वो जो भी अपन यहाँ पे जो बाई लोग रहते हैं वो यहाँ पे बराबर एक एक काड़ी अपके अपना वो धान का लगा लेते हैं। तो इस तरीके से वो पूरा कर लेते हैं, और उसके बाद काफ़ी मेहनत लगती है। दिन भर बहुत मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब जाके भी अपने को खाने के लिए अपना चावल मिलता है। तो दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि बहुत आसान है, तो ये सब चीज़ें आसान नहीं है, बहुत हार्ड वर्किंग काम है ये। जो लोग बोलते हैं कि दुनिया में, मेरे को तो लगता है कि सबसे हार्ड वर्किंग काम बोले तो खेती है, क्योंकि खेती में जाना बोले तो कोई ऐसा मतलब मजा के वत्तु नत्तु का काम नहीं है। काफ़ी हार्ड वर्कर और स्ट्रांग, जिसका स्ट्रांग मेंटेलिटी वही लोग काम कर सकते हैं खेती में। अदरवाइज अभी जो लड़के हैं वो तो खेती के नाम से तो ऐसे ही डर जाते हैं। बोले खेती बोले तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो उसमें उनको डर लग जाता है अभी से। तो अभी आगे का तो पता नहीं, पर अभी हम तो कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, और हम भी तो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, पर करते हैं हम खेती के भी काम। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, करना चाहिए। तो अभी देखो दोस्तों, अभी देखते हैं आगे और बताएंगे आपको और नए नए। और ये तो अभी स्टार्टअप हुआ है, ट्रेलर है, आगे देखेंगे। और खेती के बारे में तो मैं और नए नए वीडियो लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो अभी चलो देखते हैं और आगे। तो अभी देखो दोस्तों, ये बांदी का भी पूरा हो गया है, फाइनल हो गया है। अभी इसका चिकल देखो, इसमें एक भी कचरा नहीं है। ये सब धान की खेती के लिए ये सब करना पड़ता है, ये बहुत ही आवश्यक आवश्यक है काम है ये। ये नहीं करेंगे तो फिर धान का बोले तो काफ़ी नहीं हो पाएंगा, और वो कैसे उत्पादन भी नहीं होता फिर, तो इसलिए ये करना पड़ता है। तो अभी ये बांदी का हो गया फाइनल। तो अभी देखते हैं दोस्तों आगे क्या करता है। तो अभी ये जो चला रहा हो तो मैं ही चला रहा हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अभी आगे। और तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो, अभी सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, तो ये वही चल रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया हूँ। तो यहाँ पे अभी वो लोग जो भी लोग हैं वो लोग डाल रहे हैं यहाँ पे, वो बैलगाड़ी में परा डाल रहे हैं, और परा डालने के बाद इसको यहाँ से वहाँ बांधने में शिफ्ट करते हैं। और ये है सबमर्सिबल, जिसको खेतों में पानी देने के काम आता है, बोरवेल बोलते हैं उसको। और अभी हम यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो काम हो रहा है इसको बोलेंगे, ये कोई काम नहीं है, आवश्यक नहीं है, पर भी ये हम ट्रैक्टर चलाना है, तो हम इसको नज़दीक करके फिर यहाँ से नज़दीक से ट्रैक्टर चलाने के लिए हमको आसान हो जाएंगे, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो यही है दोस्तों जो मेन चीज़ परा, जिसको रेनी सीजन जैसा स्टार्ट होता है, तो इसको जैसे अभी मतलब जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो इसको ऐसा खेत में एक जगह पे ऐसे लगाना पड़ता है। और उसके बाद जब ज़्यादा रेनी सीजन चालू हो जाती है, मेन रेनी सीजन, तो फिर उसको फिर जैसे खेतों में जैसे पानी जमा हो जाता है, तो फिर वही चिकल विकल करके इसको फिर लगाना पड़ता है। तो अभी जो देख रहे हैं आप लोग, यही है परा। और ये जो देखो जो लोग लेके जा रहे हाथ में दिख रहे होंगे, तो ये ऐसे हाथ से पराई को बाहर निकाल के फिर अपने खेत में डालना पड़ता है एक एक पिंडी। तो काफ़ी मज़ा और इंटरेस्टिंग काम है, मज़ा भी आता है, जो लोग मज़ा लेना चाहे वो मज़ा भी ले सकते हैं, काफ़ी मज़ा भी आता है। और तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और क्योंकि खेती के बारे में मैं अपडेट देते रहूँगा, अभी ये मेरा दोस्तों की वजह से अभी मेरे बोला है कि खेती के डालते जाओ, खेती
खेती के व्लॉग्स डालते जाओ बोल रहे थे अपने कुछ सब्सक्राइबर और मेरे जो भी नज़दीक वाले दोस्त लोग हैं, तो इसलिए मैंने अभी ये खेती के व्लॉग चालू किया है। तो ये मेरा खेती का पहला व्लॉग है, तो इसमें अभी ये जो भी देखो हमने वो जो भी जमा करके रखा था एक जगह पे, तो अभी ये आसान हो गया ट्रैक्टर चलाने को। नहीं तो पहले क्या था कि जैसे बहुत सारी जगह छोड़नी पड़ती थी हमको, तो हमने दिमाग लगा के उसको सेटल करके जमा लिया अपना काम। तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हो तो ये है पूरा खेत, और अभी ये ट्रैक्टर होने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे जो भी जो सेंटर में पड़ा रखा है उसको ऐसा इधर उधर मतलब लाइन से लगा दिया जाएगा, और जो भी अपने लेडीज लोग हैं वो इसको बराबर अपना सेट करके लगाती है, जो ऐसा एक 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 काड़ी लेके ऐसा बीच में इसको चिकल में डाल के करना पड़ता है। तो ये सब बहुत ही मज़े वाला काम है और हार्ड वर्किंग काम है, तो आप देख ही सकते हो। पाच एक बटन ठेवायच्या मागच्या लाइटाच्या डेकची एखाद्या सामोदी सिरीज विरीजची फोटो दारी तिकडं ने मंडी येल ए पप्पा तुटी खाते ए तिथून उतरा तिकडून मला वाटतं आता आपल्याला या बांधीत परत टाकावं लागत असं नाही का यावाल्या हे दूरची आहे ना
झाला का मामा इकडचा आता घरी? दोन अट्ठेचाळीस म्हणजे अडीच. थांबा बरं थोडा बसू दे. बापा बापा पुरी वलीच केलं ना. बरं आहे बैलाक तर पेंट माणसं कुठे तरी पेंड टाकून निवा शेटच्या बांध्या किंवा येतील का जमत्यात येईल म्हणजे एकवेळा पटलर मारा लागते का काढून टाकाल पाहिजे आता ह्या हा परत पण नाही तर परत पण या गटातून घेईल म्हणले ना गेला बोलल्यास बरं घरी गेला हो तिकडचा हाणला ना बंडी. तो गाई जैसा था ये अभी पूरा आज का सीन ऐसा था. और ये जो है हमारा ड्राइवर है ये काफी जबरदस्त गाड़ी चलाता है. आता आम्ही काय डबल ना टिबल जाता मारता घरचंच काम आहे ना अशी गोष्ट आहे. मग त्या रोडा निघेल का मग चला मग आपण या विहिरीत पोवाल येऊ ट्यूब टाकून पाणी पाणी नव्हतं होतं आपण घराचं काम चालू होतं ट्यूब आणलं होतं ट्रॅक्टरच्या हा ट्रॅक्टरच्या तेव्हापासूनच तू त्यासोबत ओळखी झाली तिथूनच हा घराच्या त्याच्या पहिले बाबा आपण ड्राम अगर तो एक सीजन आली होती का ते म्हणजे परेले पाणी नाही घरासाठी नेलतो पण इथून ड्राम नेलो ड्राम नेलो होता पाणी आपण पंच कमिटीचे मोटर चालू केलो मग अगर ते तुम्ही तिथे त्या अंदर पोहत होत्या आणि बाहेर टंकी मध्ये मग माहिती मग याची माहिती जमकली होती. मी त्यांना सांगत होतो हा इरित पोहते म्हणून असं पिक्चर माहिती का पिक्चर म्हणजे लहानपणी पण मी का म्हणलो हा जो पाणी येते या पाण्यामध्ये जसं जो पाण्या पाण्या मारते नाही का त्याचे रोणी निघून राहिले पाणी झेलता माया अजून आठला पुरत गुतेवाल्याचा दुसरा विषय राहिला दाबून का दोनच बांधले होते आम्ही सात बांधले आम्ही तसंच केलं ना आम्ही पुरा रोवणार निघला तसा दाबू दाबू ठेवा लागतो दुसऱ्याच्या बांधत मला लक्ष ना रोडीच्या प्रॉब्लेम मुळे झालं पहिली मोठा नाही टाकायसाठी नाही पेट्रोल पंप मोठ्या नाही का चांगल्या मोठ्या वाल्या त्या आकाराची पहिली लागते साली होईत कोणाचं साली Gracias.